हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ये X3 रिमोट जो है इसको हम कंप्यूटर से और एंड्रॉयड से कैसे कनेक्ट करेंगे। ये इसकी एक चार्जिंग केबल है और ये इसका एक मोबाइल स्टैंड है, इसको इससे लगा के लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारा मोबाइल लगा सकते हैं। अब इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसमें होम और एक्स बटन दबा के रखेंगे 5 सेकंड तक। जब ये लाइट जल्दी जल्दी जलने लगे तो हम कंप्यूटर पे जाके ब्लूटूथ में जाके ऐड ब्लूटूथ डिवाइस करेंगे, ब्लूटूथ डिवाइसेस सर्च करेंगे। ये गेम पैड करके इसने डिवाइस सर्च किया है, इससे हम कनेक्ट करेंगे। लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक होना चाहिए कंट्रोलर में। अब ये सिंगल लाइट जल रही है, देखो उधर गेम पैड लिखा आ गया है, तो ये गेम पैड डन करेंगे हम। और ये फर्स्ट लाइट जल रही है कंट्रोलर में, सो दैट मींस इट इज़ कनेक्टेड एज कंट्रोलर। इसमें होम दबाएंगे सो इट इज़ कनेक्टेड एज माउस, नाउ कंट्रोलर। सो इस तरह से हम हमारे X3 कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। रहता है इसे कंप्यूटर में हम डायरेक्टली लगाने के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद यहाँ पर साइड में आप कंट्रोलर सर्च कर लो, कंट्रोलर सेटअप USB कंट्रोलर। यहाँ पर ये आपका कंट्रोलर आ गया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जब जाएंगे सो आप सारे के सारे इसके बटन्स देख सकते हैं, ये सारे बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये आपका पूरा की पूरा कंट्रोलर चल रहा है। ये इसकी पूरी टेस्टिंग यहाँ से हो जाती है। धन्यवाद। पहले आपने देखा कि हमें रिमोट कैसे कनेक्ट करना है। अब रिमोट कनेक्ट करने के बाद या कन्वर्टर कनेक्ट करने के बाद हमें की मैपिंग कैसे करना है, इसका हम गाइडेंस देने जा रहे हैं। नीचे वीडियो में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, Joy2Key। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद फिर हमें ये डाउनलोड्स में जाके ये इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो इस सॉफ्टवेयर को जब हम चलाएंगे सो ये हमारा जो कंट्रोलर रहेगा, ये जो भी बटन हमें दबाएंगे वो हमें ऐसे दिखेगा। अब इसमें की मैपिंग कैसे करते हैं, अब जैसे मैं अभी कंट्रोलर में स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ, तो स्टार्ट बटन जो है वो बेसिकली नीचे कहीं है। स्टार्ट बटन जो है वो बटन 8 जो है वो स्टार्ट बटन का काम कर रहा है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कीबोर्ड की एंटर की जो है एंटर की हम स्टार्ट बटन पे असाइन करें, तो हमने यहाँ पे एंटर दबा दिया। सो ये एंटर बटन जो है ये एंटर बटन जो है वो स्टार्ट को असाइन हो गया है। अब हम जब भी कंट्रोलर से स्टार्ट बटन दबाएंगे तो वो एंटर का काम करेगा। तो इसी तरह से आपको अपने गेम में जो जो कीबोर्ड में फंक्शनिंग में आपको मालूम है वो आपको अपने अलग अलग बटन्स को असाइन करनी पड़ेगी, और एक बार असाइन करने के बाद आपके सारे गेम्स चलने लगेंगे। धन्यवाद।